हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12 का एग्जांपल 13 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि ए और बी कोई भी एक्यूट एंगल्स है और साइन ए जो है कॉस बी के बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए और बी का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है यहां पे? गिवन है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है ना। काफी आसान क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहां पे हमको क्या चाहिए, ए और बी का सम चाहिए, ठीक है ना। तो ए और बी का सम कैसे मिल सकता है हमको, अगर हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमूव करें। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमूव करने के लिए क्या करना होता है कि इक्वल के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम करने होते हैं, ठीक है ना। तभी जाके हमको केवल और केवल a प्लस बी मिल पाएगा, मतलब a और b मिल पाएगा, क्लियर है यहाँ पे। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि दोनों तरफ से साइन और कॉस को हटा दे, क्लियर है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम कर दे, यानी कि इधर साइन है तो इधर कॉस कर दे, ठीक है ना, या फिर कॉस के जगह पे साइन कर दे, क्लियर है ना। दोनों तरफ किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करना होता है। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो हमको मालूम है, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम कॉस को साइन में बदल सकते हैं और साइन को कैसे कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, या फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है यहाँ पर। तो यही कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हमको साइन को कॉस में बदलना है, अगर हमको साइन को कॉस में बदलना है तो क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये साइन थीटा के फॉर्म में है और साइन थीटा को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो साइन थीटा को कॉस में तभी चेंज कर सकते हैं जब इस थीटा को 90 डिग्री में से सबट्रैक्ट करते हैं, क्लियर है यहाँ पर। यानी कि जो भी यहाँ पर थीटा है उस थीटा को 90 में से सबट्रैक्ट कर दे, और जैसे ही 90 से सबट्रैक्ट करेंगे तो जो भी एंगल आएगा वो कॉस के साथ, मतलब जो भी वैल्यू आएगा ना वो कॉस के साथ आएगा, क्लियर है यहाँ पर। चलो तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा के जगह पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ले सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, ए एंगल है, तो थीटा के जगह पे ए रख देंगे। तो यहीं पे हम क्या लिख रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब इसको तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको चेंज कर दिए हैं कॉस में, तो अब इसको चेंज करेंगे तो फिर साइन हो जाएगा, तो फिर इक्वल के दोनों तरफ अलग अलग हो जाएंगे, हमको सेम करना है, ठीक है ना। तो इधर कॉस है तो इधर भी कॉस हो गया, अब क्लियर है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म का है, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, ठीक है, जहां पे x और y क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि a और b क्या है, एक्यूट एंगल्स है, तो 90 में से अगर हम एक्यूट एंगलों को हटाते हैं तो एक्यूट एंगल्स ही आएगा और b तो एक्यूट एंगल्स है ही, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे x के जगह पे 90 डिग्री माइनस ए है और यहाँ पे y के जगह पे क्या है, एंगल b है, और दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो अगर कहीं भी हमको इस फॉर्म का इक्वेशन देखे, cos x बराबर cos y या फिर sin x बराबर sin y, तो अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं तो उस केस में एंगल्स क्या हो जाते हैं, उस केस में एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्लियर है यहाँ पे। उस केस में एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 90 डिग्री माइनस ए है, और y की जगह पे क्या है, एंगल b है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 90 डिग्री माइनस ए बराबर कर सकते हैं b के, क्लियर है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, a और b को एक तरफ भेजना है, तो इस माइनस ए को उधर भेज देते हैं, तो इधर 90 डिग्री केवल बचेगा, ये माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो बी प्लस ए, तो यहां से आ जाएगा हमको ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो कि हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ दैट। तो ये लिख देंगे प्रूफ्ड, और जो जो चीज का यूज हुआ यहां पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हम यूज कर सके। और ये एक थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर। इस क्वेश्चन में केवल यही करना था कि ए प्लस बी का सम, मतलब ए और बी का सम जो है 90 डिग्री के इक्वल दिखाना था, क्लियर है, जो कि हो गया। तो आसान क्वेश्चन था एक तरह का, क्लियर। तो इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।